आपने मेंबरों से कितनी मरतबा जज्जत उलमा से हदीस सुनी है इमाम हुसैन पे आंसू बहाने का इतना सवाब सुना या नहीं? आंसू बहाने का इतना सवाब, तबरुक देने का इतना सवाब, फर्श अज़ा बिछाने का इतना सवाब। ये अज़ादार जो मजलिसों में आके बैठ रहे हैं कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ आके बैठ रहे हैं, फरिश्ते इनके नीचे पर बिछाते हैं। भाई सुनिए हदीस के नहीं सुनी, कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ आ रहे हैं फर्श अज़ा पे इतना सवाब, हुसैन पे आंसू बहाए इतना सवाब, सबील लगाए पानी की इतना सवाब, ज़ियारत पे जाए सिर्फ सलाम पढ़े इतना सवाब, और वो जो खूने हुसैन बहाने वालों के गले काटे, खूने हुसैन बहा दिया जो उनसे बदले ले, सबको कैफर किरदार तक पहुंचाए और एक एक आदमी से सवाल करे, बता तुमने करबला में क्या जुर्म किया था, वही सजा मिलेगी, और फिर तलाश कर करके उन्हें जहन्नम में भेजे। अब सोचिए उसका मकाम क्या होगा, किन कातिलों को, एक एक कातिल को, शिमर को, उमर साद को, उली को, सनान को, उबैदुल्लाह ने दिया, कितने बड़े बड़े कातिल थे चुन चुन के, हुरमला को, हसन बिन नुमैर को, हकीम बिन तुफैल को, ये तमाम के तमाम कातिलों को चुन चुन के जनाबे मुख्तार ने मारा और पूछ पूछ के बता तूने क्या किया था, और कहा फिर किसी को अगर कोई भाग गया ना तो कब तक भागेगा, मैं तुम्हें गारों में तलाश करके निकालूंगा और मारूंगा, अगर तुम जमीन के किसी रेगिस्तान के सुराख में भी चले जाओगे वहां से निकाल लाऊंगा।